गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आवर टुडेज टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि हम रेजिस्टर्स का एक सिस्टम लेंगे, एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स, एक ग्रुप लेंगे रेजिस्टर्स का, और हम देखेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नाउ हमें पता है कि करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस जब हम एक ग्रुप की मेज़र करते हैं तो उन रेजिस्टर्स को हमने किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप की ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसी होगी। ओहम्स लॉ यहाँ हम अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, और हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। दो तरीके हैं रेजिस्टेंस को, सॉरी रेजिस्टर्स को अटैच करने के। पहला है सीरीज़ में और दूसरा है पैरेलल में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए हम तीन रेजिस्टर्स को, फॉर एग्जांपल R1, R2 और R3, हम तीन रेजिस्टर्स लेके चल रहे हैं। जब हम उनको एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में। हम कहेंगे रेजिस्टर्स आर इन सीरीज़, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तीनों ही रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, यानी कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे देन वो एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होंगे, एक्स और वाई पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। नाउ लेट अस सी हाउ द रेजिस्टेंस चेंजेस इन केस ऑफ सीरीज एंड इन केस ऑफ पैरेलल। हम कैसे टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे। लेट अस टेक फर्स्ट द केस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, एक्टिविटी 12.4 में हमने तीन रेजिस्टर्स लिए हैं जिनकी रेजिस्टेंस है 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, और हमने उनको कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ जो कि 6 वोल्ट की पोटेंशियल दे रही है। अब हम, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर एक्टिविटी 12.4। यहाँ पर अब हम पहले एमीटर से रीडिंग लेंगे प्लग करके की को, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करके हम एमीटर की रीडिंग ले रहे हैं कि कितना करंट जा रहा है। सबसे पहले जब हमने एमीटर लिया, रीडिंग ली एमीटर की, तो एमीटर बाहर था रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन के, और उसके बाद हम दोबारा से एक एमीटर रीडिंग लेंगे जिसमें हम एमीटर को प्लेस करेंगे इन बिटवीन द एक्स एंड वाई पॉइंट। यानी कि मान लो हमने R1 और R2 के बीच में प्लेस कर दिया एमीटर को, या R2 या R3 के बीच में प्लेस कर दिया, फिर हम एमीटर की दोबारा रीडिंग लेंगे। सो रीडिंग फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि एमीटर की करंट की रीडिंग्स में क्या डिफरेंस आया, तो हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। चाहे हम करंट एमीटर को यहाँ पर प्लेस करके मेजर करें या फिर यहाँ पे बीच में कहीं पे प्लेस करके मेजर करें, करंट की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। ये क्या दिखाता है? इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा है, या हम कहें कि सर्किट के हर पार्ट में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी चाहे हम एमीटर को कहीं पर भी प्लेस करके इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करें, वो सेम ही मिलेगी। नाउ लेट अस सी कि वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या सेम रहती है। एक्टिविटी 12.5 में हम वोल्टमीटर की रीडिंग मेजर करेंगे। पहले हम वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे जब हमने एक्स वाई पॉइंट के ऊपर
लगाया हुआ था वोल्ट मीटर, यानी कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन की एक इकट्ठी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग ले रहे हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग ले रहे हैं। इसके बाद हम चेंज करेंगे वोल्ट मीटर्स को। अब हम पहले एक्स और पी पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर को लगाते हैं और एक वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते हैं। उसके बाद हम क्यू एस के बीच में लगाएंगे, सेकेंड रीडिंग लेंगे, और टी वाई के बीच में लगाएंगे, थर्ड रीडिंग लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास चार रीडिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी। पहली जो हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ली थी, मान लो वो आई वी, फिर हमने एक्स पी के लिए ली थी, वो मान लो आई वी वन, देन वी टू एंड वी थ्री। सो वी वी वन वी टू एंड वी थ्री, तीन चार रीडिंग्स हमारे पास आई हैं। सो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, वो किसके इक्वल है? सम ऑफ वी वन वी टू वी थ्री, यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पर जो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिला था V, वो इक्वल है अलग अलग रेजिस्टेंस के वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। सीरीज में जो रेजिस्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो सीरीज़ में करंट सेम रहता है हर पार्ट में, हर रेजिस्टर पे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 का अलग होगा और उनका टोटल सम V के सीरीज़ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ओके, नाउ हम मान के चलते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से एंड हर रेजिस्टर से भी आई करंट ही फ्लो हो रहा है। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस थ्री रेजिस्टर्स जॉइंड इन अ सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, बिकॉज जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी तीनों के सम के इक्वल है और करंट भी तीनों में सेम फ्लो हो रहा है। सो हम तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स यानी कि जो रेजिस्टेंस वो तीनों दे रहे हैं वो नए वाला जो हम एक सिंगल रेजिस्टर लगा रहे हैं उसके इक्वल होगा, दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या पॉइंट नोट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जब हम एक सिंगल रेजिस्टर अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट सेम रहना चाहिए। नाउ यहाँ पे जब हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं एंटायर सर्किट पे तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हम यही ओहम लॉ सभी रेजिस्टर्स पर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि करंट तो सबके लिए सेम था तो वो तो सबके लिए आई ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट थी और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट दे रहे थे तीनों ही रेजिस्टर्स। सो V1 विल बी इक्वल टू आई आर वन, V2 विल बी इक्वल टू आई आर टू, V3 विल बी इक्वल टू आई आर थ्री। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में जो कि थी V इज इक्वल टू आई आर। सो V विल बी इक्वल टू आई आर, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाली इक्वेशन में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V को हम रिप्लेस करेंगे IR से, V1 को IR1 से, V2 को IR2 से और V3 को IR3 से। सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। नाउ I सब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉमन है तो हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास टोटल R आ जाएगा R1 प्लस R2 R3, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का है तो हम जो रेजिस्टेंस है R उसको RS लिखेंगे। सो RS रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या है? सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, तीनों ही रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है उनका सम इक्वल होगा सीरीज़ की टोटल रेजिस्टेंस के। रिवाइज करते हैं, सीरीज के सर्किट में करंट जो होगा वो सेम रहेगा हर पार्ट में हर रेजिस्टर में, और पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दैट इज V1
प्लस वी टू प्लस वी थ्री, एंड रेजिस्टेंस भी तीनों का सम होगा। टोटल सीरीज में जो रेजिस्टेंस है आर एस, दैट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। नाउ लेट्स मूव अहेड टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं रेजिस्टर्स को। एक्टिविटी 12.6, सबसे पहले हमने रेजिस्टर्स को सीरीज की बजाय अब की बार पैरेलल में हमने लगाया है आर वन आर टू आर थ्री को, और एक्स और वाई पॉइंट से कनेक्टेड हैं तीनों के तीनों रेजिस्टर्स, ठीक है। अब हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है एक्स वाई पॉइंट के बीच में, एक एम मीटर हमारा लगा हुआ है और बैटरी है हमारे पास और साथ में एक की। सो पहले हम मेजर करेंगे एम मीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग इस फिगर से, यानी कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग मेजर करेंगे। अब की बार हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लिया, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में। इसके बाद हम वोल्ट मीटर और एम मीटर की पोजीशंस को चेंज करेंगे। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस हम अलग से वोल्ट मीटर और एम मीटर को लगाएंगे और मेजर करेंगे रीडिंग्स पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस एल एंड एम पॉइंट एंड करंट थ्रू रेजिस्टर आर वन। सिमिलरली फिर हम पी और क्यू पॉइंट के बीच लगाएंगे वोल्ट मीटर को और एम मीटर के और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स लेंगे। फिर हम आर थ्री रेजिस्टेंस एस और टी के बीच में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग्स आ जाएंगी सभी रेजिस्टर्स के लिए और साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी, और एम मीटर की भी रीडिंग्स आ जाएंगी। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से हम रिजल्ट ये निकालेंगे कि जो टोटल करंट है इस बार वो चेंज हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर पार्ट में सेम रहेगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V अगर हम लेके चलते हैं पैरेलल के कॉम्बिनेशन की, तो हर रेजिस्टर के अराउंड भी हमें V ही मिलेगी। यानी कि सर्किट के हर पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, लेकिन करंट की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलेगी। करंट हमें देखने को मिलेगा कि जो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट था वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के करंट के, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू आई थ्री। आई वन किसका करंट है, जो कि रेजिस्टर आर वन से फ्लो हो रहा है, आई टू आर टू से, और आई थ्री आर थ्री रेजिस्टर से। सो आई विल बी इक्वल टू सम ऑफ आई वन प्लस आई टू आई थ्री। नाउ वी की वैल्यू तो सेम रहेगी सभी में, सो करंट आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर पी, क्योंकि हम अब की बार पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो आर पी के इक्वल होगा। रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है सभी के लिए, आर वन आर टू और आर थ्री है। सो यहाँ पे आई वन विल बी इक्वल टू वी बाय आर वन, आई टू विल बी इक्वल टू वी बाय आर टू, एंड आई थ्री विल बी इक्वल टू वी बाय आई थ्री। सो इसको अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर पी, I1 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। यहाँ से हमें V common है सभी में, so V को हम left hand side और right hand side दोनों में है तो deduct कर सकते हैं। हमारे पास equation क्या आएगी, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। So in parallel combination, the equivalent रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय आर पी। तो रेसिप्रोकल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो रेसिप्रोकल होगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो कि रेजिस्टेंस किसकी है, रेजिस्टर्स के ग्रुप की जो कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए गए हैं, उन वो किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। नाउ रिवाइज करते हैं। सो पैरेलल में हमें क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ईच पार्ट ऑफ द सर्किट में, यानी कि सभी रेजिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हमें सेम देखने को मिलेगा वी, जो कि टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक्स वाई पॉइंट के अक्रॉस हमें देखने को मिला था।
यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, करंट टोटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर, आर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू टोटल आई, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस आर वन बाई आर पी इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, दैट इज वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो ये थे रेजिस्टेंसेस जो डिफरेंट हैं सीरीज़ के केस में और पैरेलल के केस में। सीरीज़ के केस में हम एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, पैरेलल के केस में हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे एक्स वाई पॉइंट के बीच में। सीरीज़ में करंट सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंट सेम रहेगा अक्रॉस द सर्किट। सीरीज़ में रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, पैरेलल में रेजिस्टेंस वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और पैरेलल में करंट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ये सभी मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ लेट अस सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये तो दिखा कि जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम एक बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, एक इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि सेम अमाउंट ऑफ करंट की। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। सेकंड थिंग कि अगर एक भी कंपोनेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में से ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हमें लाइट्स में देखने को मिलता है, जो फेरी लाइट्स होती हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है फेस्टिवल्स में या मैरिजेस में, उनमें से अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, तो एक बल्ब फ्यूज़ होते ही पूरी की पूरी फेरी लाइट बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। सो हमें हर एक बल्ब को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है, तो ये ट्रबल क्रिएट करता है। सो ये एक मेन डिसएडवांटेज है सीरीज़ कनेक्शन का, अगर एक कंपोनेंट ख़राब हो गया तो सारा का सारा सर्किट डेड हो जाता है। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर एक पार्ट ख़राब हो जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट डिवाइड करता है करंट को थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल गैजेट। इलेक्ट्रिकल गैजेट की हेल्प से हम पैरेलल सर्किट्स देते हैं हर एक कंपोनेंट को। सो हर एक कंपोनेंट में डिफरेंट करंट हम दे सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है इसकी वजह से। टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट को मिल रही है पैरेलल सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम डिफरेंट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं हर डिफरेंट कंपोनेंट्स को। और ये वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है जहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट हो। जैसा कि हमने देखा कि बल्ब और हीटर दोनों को डिफरेंट करंट चाहिए, हीटर को ज़्यादा करंट चाहिए इन कंपैरिजन टू अ इलेक्ट्रिक बल्ब। सो उनको हम पैरेलल वे में ज्वाइन करेंगे तो हम उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए जितने करंट की रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं।